हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी एडा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेघ आई चैप्टर की शॉर्ट समरी। इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे, यानी पोएट हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। अब चल रहे हैं चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर में दामाद जी का कंपैरिजन बादलों से किया गया है। अब दामाद जी क्या हैं और बादल क्या हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, जब बारिश आने वाली होती है तो आसमान में जो काले काले बादल छा जाते हैं उनका कंपैरिजन दामाद से किया गया है। अब आपको दामाद समझ ना आए तो आपकी दीदी के हस्बैंड को, जिसको आप जीजू कहते हैं, वो आपके पापा के दामाद होते हैं, तो आपके जीजू की बात हो रही है। तो आप सभी को पता होगा, जब आपके जीजू घर पर आते हैं तो आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, कितनी सारी प्रिपरेशंस की जाती हैं और वो कितने ज़्यादा रेडी होकर आते हैं, अच्छे से वॉच पहनकर और शूज़ वूज सब नीट एंड क्लीन पहनकर आते हैं। और हमारे घर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती हैं। तो पहले के ज़माने में, जब गाँवों में, जो पुराने ज़माने में गाँव होते थे, तो दामाद जब आते थे तो एक अलग तरह का माहौल बन जाता था, एक सेलिब्रेशन का टाइम आ जाता था कि भाई दामाद आ रहे हैं, दामाद आ रहे हैं। तो चारों तरफ हल्ला हो जाता था और बहुत तेज़ी से प्रिपरेशन होने लगती थी। तो हमारे राइटर कहते हैं, जैसे दामाद के आने पर जो प्रिपरेशन की जाती हैं, वैसे ही बादलों के आने पर प्रिपरेशन होती हैं, खुशी होती है। अब वो प्रिपरेशन हम नहीं करते हैं, वो आसमान करता है, हवाएँ करती हैं, बादल, धरती, ये सारे लोग करते हैं, बट हम खुश होते हैं और धरती, आसमान, ये सारी चीज़ें भी खुश होती हैं। तो जैसे दामाद के आने पर खुशी होती है, वैसे ही बादलों के आने पर भी एक अलग तरह की खुशी होती है। अब हमारे राइटर ने मेघ यानी बादलों की तुलना हमारे दामाद जी यानी अतिथि से कर दी है। वो कहते हैं कि जब शहर में सज धज कर दामाद जी आते हैं, वैसे ही बादल भी आते हैं। जिस तरह दामाद के आने पर गांव के जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, वो पूरे गांव को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई उसके हस्बैंड आ गए या फिर दामाद जी आ गए हैं, और सारे लोग भाग भाग कर उनको देखने जाते हैं। उसी तरह बादलों के आने पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो हवाएं पूरे नेचर को इन्फॉर्म करती हैं कि भाई बादल आ चुके हैं और बारिश होने वाली है। मेहमान को देखने के लिए जिस तरह से लोग अपने खिड़की दरवाजों को खोलते हैं, होता है ना कि भाई उस खिड़कियों को खोलकर छतों पर जाकर हर तरीके से उसे देखने की कोशिश करते हैं। जब कोई नया पर्सन आता है तो उसे देखने की कोशिश करते हैं। गाँवों में ये चीज़ होती थी, बट अब शहरों में तो किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। ऐसे ही जब बारिश आती है तो उतने ही ज़्यादा उत्साह से हम लोग खिड़की दरवाज़ों को बंद ज़रूर करते हैं, बट जब मौसम बन जाता है तो उसे खोलकर देख भी लेते हैं, भाई बारिश कैसे हो रही है। और कुछ लोग तो खिड़कियों से या फिर अपने आंगनों में जाकर बैठ जाते हैं और बारिश में चाय पकौड़ों का मज़ा लेते हैं। हम छोटे बड़े काले भूरे सफ़ेद रंग के बादलों को दल बल के साथ आकाश में ऐसे छा जाते हैं मानो कोई शहरी मेहमान सज धज कर गाँव में आ गया हो। होता है ना, कोई यूनिक से कपड़े पहने हुए अगर आपके गांव में आ जाता है तो सब उसको निहारने लगते हैं। इसी तरह से जब बादल आकाश में बादल छा जाते हैं तो सब उसको निहारने लगते हैं। जब हमारे गांव में दामाद जी आते हैं तो घर का कोई बुज़ुर्ग या फिर वृद्ध आदमी आगे जाकर उसको नमस्ते कर उनका स्वागत करता है, मतलब कि आपका वेलकम है। और उसकी जो पत्नी होती है वो दीवार से ओट लगाकर देखती रहती है कि उसने दीवार से ओट लगा ली और वो देख रही है सारा नज़ारा कि वो आ रहे हैं, कैसे लोग उनका वेलकम कर रहे हैं, बस छुप के देखती है। इसी तरह से आकाश में जब बादल छा जाते हैं तो आंधी चलने लगती है, जिससे बूढ़े पीपल, मतलब पीपल जो होता है वो बहुत ज़्यादा एजेड होता है, पीपल का पेड़ बहुत टाइम में बड़ा होता है, तो उसकी डालियाँ झुकने लगती हैं और उससे लिपटी हुई लताएँ जो होती हैं वो हरकत करने लगती हैं। मतलब बूढ़ा वृक्ष जो होता है वो बादलों का सम्मान कर रहा है, और जैसे पत्नी दीवार से ओट लगाकर उसको देख रही है वैसे ही वो लताएँ हरकतें करने लगती हैं। जैसे मेहमान के आने पर उसकी पत्नी के चेहरे पर उदासी होती है, वो दूर हो जाती है। मतलब क्या है, मेहमान से मतलब है यहाँ पर दामाद से। जैसे दामाद के आने पर आपकी दीदी के फेस पर जो सैडनेस होती है वो दूर हो जाती है, उसका चेहरा चमकने लगता है। दोनों का मिलन हो जाने के बाद खुशी के कारण दोनों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वैसे ही आसमान के बादल गहरे होने पर और बिजली चमकने लगती है।
क्या होती है, आसमान के बादल और ज़्यादा गहरे होने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, बादल के आपस में टकरा जाने से बारिश शुरू हो जाती है। जैसे उन दोनों लोगों के मिलने से दोनों की आंखें बरसने लगती हैं, वैसे ही बादलों के आपस में टकराने से दोनों बारिश करने लगते हैं और तेज़ी से बारिश होती है और सबके मन खुश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो एक अलग ही तरह की शांति होती है, एक अलग ही तरह का सुकून होता है, अगर आप फील कर पाते हैं। अगर किसी ने भी बारिश का मज़ा लिया है या जिस जिस को बारिश पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में हमें दामाद जी यानी आपके जीजू का कंपैरिजन बादलों से किया गया है। होपफुली आपको चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।